So after the events of Tournament of Power and Dragon Ball Super, हम गोकू और वेजिटा को ग्रेविटी रूम में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वेजिटा गोकू से पूछता है, तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का क्या हुआ? तो गोकू बोलता है, मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी उनके पास बुलमा का कॉल आता है और बुलमा उनसे कहता है कि मिस्टर सेटन के घर में कुछ लोग आकर बू को किडनैप करने का कोशिश कर रहे हैं। गोकू और वेजिटा को इन न्यू विलन्स के बारे में पता चलते ही वो दोनों मिस्टर सेटन के घर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब गोकू वेजिटा से अपना हाथ मांगता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करने के लिए, लेकिन वेजिटा हेजिटेट करता है और कहता है मैं अपने आप वहां पर चला जाऊंगा। मिस्टर सेटन के घर पर हम देखते हैं कि वो किडनैपर्स बू को किसी तरह की स्पेसशिप पर किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं और मिस्टर सेटन के बहुत कुछ करने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं सुनते हैं। और आखिरकार मिस्टर सेटन के पास कोई मौका ना होने के बाद मिस्टर सेटन एक गन को बाहर निकालते हैं और उस गन से उन किडनैपर्स के ऊपर शूट कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक किडनैपर अपने गन से मिस्टर सेटन के बुलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो किडनैपर मिस्टर सेटन को कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोकू और वेजिटा आ जाते हैं और मिस्टर सेटन गोकू और वेजिटा से बू को बचाने के लिए हेल्प मांगते हैं। और उस किडनैपर को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो गोकू और वेजिटा को पहले से ही जानता है। तब गोकू अपने सुपर स्पीड और रिफ्लेक्स को यूज करते हुए बू को ले जाते हुए सारे किडनैपर्स को डिफीट कर देता है। वो गन वाला किडनैपर वहाँ खड़े ये सब देखता है और वो समझ जाता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और हैरतन की स्पीड से वो गोकू के पीछे आ जाता है और इससे गोकू भी चौंक जाता है और गोकू के कुछ करने से पहले ही वो गन वाला किडनैपर अपने गन से गोकू को शूट कर देता है, जिसकी वजह से गोकू जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और ये सब देखकर मिस्टर सेटन और वेजिटा दोनों ही बहुत चौंक जाते हैं और वेजिटा के कुछ करने से पहले ही वो गन वाला किडनैपर वेजिटा के भी पीछे आकर उसको भी उस गन से बेहोश कर देता है। उसके बाद वो गन वाला किडनैपर अपने साथियों को बोलता है कि वेजिटा और गोकू को भी स्पेसशिप पर उठा लो और मैं खुद HQ में जाकर उनको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा और वो लोग खुद भी हमारे मकसद को पूरा करने के लिए हमारी मदद करेंगे। उसके बाद वो स्पेसशिप अर्थ से बाहर निकल आता है और हम बेहोश गोकू को देखते हैं। उसकी आंखें खुलता है जाको के बुलाने पर और गोकू और वेजिटा जब दोनों ही उठ जाते हैं तो जाको उनसे कहता है कि ये गैलेक्टिक पेट्रोल का ऑफिशियल हेडक्वार्टर है और उनको यहाँ पर लाया गया है, लेकिन उसको नहीं पता कि उनको यहाँ पर क्यों लाया गया है क्योंकि उन्हें तो सिर्फ माजिन बू को लाना था। तब वो गांड वाला एजेंट जिसको हम किडनैपर सोच रहे थे वो तब गोकू और वेजिटा से अपोलोजाइज करता है और कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि तुम लोग मेरी कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। और तब उस गांड वाले एजेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो गैलेक्टिक पेट्रोल का एक एलिट एजेंट है, उसका नाम मिरोस है। तब वेजिटा पूछता है अगर तुम इतने ही एलिट हो तो तुम्हें माजिन बू से क्या मतलब है? तब मिरोस उसका जवाब देता है, हाँ असल में बात यह है कि हमारी लापरवाही की वजह से एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल गैलेक्टिक पेट्रोल से भाग चुका है और उसे पकड़ने के लिए हमें एक खास शख्सियत की मदद चाहिए। और वेजिटा और गोकू फिर से पूछते हैं वो खास शख्सियत कौन है? तब मिरोस उसका जवाब देता है, वो खास शख्सियत ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है जो माजिन बू के अंदर सोया हुआ है। So if you enjoyed this explanation, then like this video and do subscribe for similar contents.